हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में हम नवरात्रों की डिश बनाएंगे। तो आज मैं कुट्टू गिरी के आटे के पकौड़े बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने एक आलू ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। फिर हम इसको गोल गोल काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको पानी में रख देंगे ताकि काले ना हो। फिर हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम कुट्टू गिरी आटे को डालेंगे 2 से 3 चम्मच। उसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च, काले मिर्च थोड़ी सी ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। और ये बिल्कुल तैयार है बैटर हमारा। और जो आलू हमने काटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जो भी हमारा बैटर था उसमें से हम आलू निकाल के इसमें डाल देंगे एक एक करके। और हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इस साइड से फ्राई हो जाए तो हम इसको पलट के पकाएंगे। और स्टार्टिंग में हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आखिरी के 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और हमारे जो पकोड़े हैं वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, क्रिस्पी भी होती है। और नवरात्रि आ रहे हैं तो आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे हर साल बनाती हूँ, साल में 2 बार जब नवरात्र आते हैं तो बनाती हूँ। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।